40 रुपये से, धन्यवाद। पार्किंग यहाँ पे 50 रुपये की कार पार्किंग है, तो दिस इज़ द कार पार्किंग, और 50 रुपीज़ की थी विच वॉज प्री पेड। सो नाउ वी आर हेडिंग ओवर, और एक्चुअली ये पार्किंग जो है ये ज़ू की पार्किंग है, तो पता चला कि ज़ू की पार्किंग है, पर ये लोग कह रहे हैं कि ज़ू की जो टिकट हैं वो फुल हो गई हैं आज की, तो इंक्वायर कर रहे हैं। वेल एनीवे, पहले तो हम जा रहे हैं पुराना किला देखने के लिए। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पॉट होल्स हो गए, मतलब अरे ये वैसा ही सिस्टम है वो जो हमने गए थे, याद है आपको? याद है मुझे। हाँ हाँ भाई भाई भाई, पहले हमने ये स्कैन कर लिया है यहाँ से जो हमारा लिंक है टिकट खरीदने के लिए, और अब जो है हम इसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, और उसमें पहले आप अपनी नेशनलिटी डालेंगे इंडियन, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा किला इन लेक का, किला इन लेक दिखाने का या किला इन म्यूज़ियम, तो आपको जो चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको ऑप्शन आएगा नेम डालने का, तो आप नेम में अपना नाम और अगर आप किसी और के साथ आ रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए। फिर इसमें आएगी आईडी में आप डाल दी अदर, क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है, उसके बाद मैं इसमें आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ जो है। फ़ोन नंबर बताना 9811312810। पे नाउ, अब जब पे नाउ कर दिया इसके बाद अभी आ रहा है कि 80 रुपये आप पे करिए, 80 रुपये आपने अपने वॉलेट से पे कर दिया, फिर आप पेटीएम में गए, पेटीएम से आपने पे कर दिया, और इस तरीके से आपने अपना टिकट ले लिया। यही नंबर है ना? ये इससे ये ठीक है, OTP आया होगा आपने अब ले लिया क्या? 354741, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आ गया टिकट, आ गया, तो ये हमारा टिकट आ चुका है, और इसको बस हम आते हैं अभी। सब तो खाली पड़ा हुआ है। सो वी पार्क द कार ओवर देयर, वी लुक्ड इनटू द ज़ू, ज़ू वाज नॉट पॉसिबल, सो नाउ वी हेडिंग टू द पुराना किला। मैसिव गेट्स, और जैसे हम देख सकते हैं यह है पुराना किला, और इसके गेट्स कितने ह्यूज हैं, ह्यूज गेट्स है, और ये हम एंटर कर रहे हैं पुराना किला की एंट्रेंस। कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। बड़े दरवाजे के बारे में, सो वेस्टर्न एंट्रेंस टू द फोर्टिस, इट वॉज बिल्ड अंडर हुमायूं, ट्रिपल स्टोरी स्ट्रक्चर 20 मीटर्स हाई। तो ये पूरी आपको इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे तीन बॉडीगार्ड्स, डॉग्स, और ये आपका पुराने किले का पूरा अरीना। दिस इज़ द एंट्रेंस जहाँ से हम आए, इधर से चलते हैं, उधर से यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अलग है कुछ द डॉगीज। ये तो काफ़ी बड़ा है, जाते हैं। पूरी गार्डनिंग की मेंटेनेंस हो रही है यहाँ पे, द गार्डन इज बीइंग मेंटेन्ड,
डॉगी, क्रोज, गिलहरी, गिलहरी भी है यहाँ पे। एज़ वी वर वॉकिंग मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ऊपर जाने को अगर कहीं मिल जाए ना, ऊपर जाके चिल से आप बैठें, बट यहाँ पे सारे आई थिंक ऊपर जाने का पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है। अदर्स आई बीन सो कूल टू एक्चुअली गो देयर एंड सिट एंड एंजॉय, बट ओवरऑल आई एम वेरी इम्प्रेस विद द ग्रीनरी ऑफ दिस प्लेस। एंड अभी हम जा रहे हैं उधर, आई थिंक ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द मॉन्यूमेंट, सो जस्ट गोना गो विजिट द मॉन्यूमेंट ऑन द राइट। एक हमें छोटा सा स्मॉल स्टेज टाइप की जगह मिली है यहाँ पे, और ये गेट सा बना हुआ है यहाँ, और ऊपर आप देख सकते हैं मैसिव स्ट्रक्चर यू कैन सी। सब बंद पड़ा है भैया यहाँ तो? हाँ जी भैया, सब बंद पड़ा है यहाँ तो, हैं? जैसे दरवाजे सब बंद बंद हैं। अच्छा, बट ऊपर नहीं जा सकते ना? हैं? उधर ही होगा, इधर क्या है? यहाँ तो मैं कभी आया भी नहीं पहले। ये प्रगति मैदान का है, ऑन दैट साइड यू कैन सी, और अब हम इस पे वॉक करने वाले हैं, सो वी जस्ट गोना वॉक ऑन दिस। हाँ, आखिरी जर्नी ना हो जाए मेरी। अच्छा लग रहा है इस पे चलने में, तो मजा आ रहा है, इट्स फन। तो वहाँ पीछे से हम चल के आए अभी, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी दीवार जो है ये पुराने किले की है, विच इज़ लाइक द आउटर बाउंड्री। और मेरे पीछे जो है यू विल सी पूरा ट्रैफिक जा रहा है, और अभी हम इस रास्ते में पीछे जाने वाले हैं। गोना चेक इट आउट व्हाट्स ओवर हियर, फील सो गुड टू एक्चुअली वॉक ऑन दिस, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लिबरेटिंग लग रहा है। और ये पुराने टाइम में ये फोर्ट्रेस टाइप ये इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे हूँ, और ये जो है ये बाउंड्री है, और इसका जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे बैक इन द डे जब लड़ाई झगड़ा होता होगा अंग्रेज़ों के साथ, तो एक कवच बनाने का, एक प्रोटेक्शन बनाने का इन्होंने जो स्टाइल किया होगा। सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द दरवाज़ा दैट वाज बिल्ट बाय शेरशाह इन द ईयर 1541। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो दरवाज़ा है, एंड इट्स आर्कियोलॉजिकली वेरी एस्थेटिक। और ये पीछे कुछ कुएं जैसा है, या पता नहीं, आई डोंट नो, तालाब जैसा है। एंड अगर मैं इसके बैक साइड में जाता हूँ तो मुझे दिखती है प्रगति मैदान, जो रोड्स हैं, प्लानिटोरियम, साइंस प्लानिटोरियम, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो प्लानिटोरियम आपको दिखता है, और आपको जो मेन रोड है प्रगति मैदान की। वीडियो में पुराने किले के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए तो इसमें लिखा है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स इन दिल्ली, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द एक्सपेंसिव प्रगति मैदान एरिया, जो हमें यहाँ से दिखता भी है व्हेन यू विजिट दैट। एंड इसकी जो हिस्ट्री अगर हम जानना चाहें तो excavations, the first two rounds of excavations in 1954 and 69, excavation hua tha. And Purana Kila is said to be the fort of ancient Indian city of Indraprastha where the Pandavas ruled, okay, or was constructed by the Mughal Emperor Humayun in the general vicinity of the ancient Indraprastha. Abul Faisal states that he built the fort in place of that of ancient Indraprastha.
द फाउंडर ऑफ शेर शाह सूरी डायनेस्टी, शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एंड मेड चेंजेस टू द फोर्ट, स्ट्रेंथनिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस एंड कंप्लीटिंग द वॉल्स. अच्छा, तो काफ़ी, अगर आप इसके विकीपीडिया पेज पे जाएंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पुराने किले के बारे में. ऑन इन रीसेंट ईयर्स क्या डेवलपमेंट्स हुई पुराने ज़माने में, हाउ इट वॉज एक्चुअली एक्वायर्ड बाई डिफरेंट रूलर्स, किसी का था, फिर उसने लड़ाई की, फिर उसने किया. एंड ऑल्सो द टाइम वैन द ब्रिटिशर्स केम इन, हाउ डिड दे यूज़ इट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगी. तो ऐसे जब भी ऐसे हिस्टोरिकल जगह पे आएँ, शुड ऑलवेज़ लर्न अबाउट द प्लेसेस. फ़ोन एक आर्टिकल दूर है आप उस जगह से, तो आप उसके बारे में और जान सकते हैं कि क्या है. तो काफ़ी नई चीज़ें पता चली मुझे पुराने किले के बारे में. और इसमें वर्ल्ड वॉर टू का भी रेफरेंस दिया गया है रीसेंट ईयर्स में. इन द 1970s पुराना किला वो फर्स्ट यूज एज अ ब्लैक डॉग फॉर थिएटर, बहुत सारे यहाँ पे प्लेज हुए. एंड टुडे इट इज़ द वेन्यू ऑफ अ डेली साउंड एंड लाइट प्रेजेंटेशन आफ्टर सनसेट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली फ्रॉम इंद्रप्रस्थ थ्रू न्यू दिल्ली. सो इंद्रप्रस्थ से लेके न्यू दिल्ली का नाम कैसे पड़ा, इन सातों सिटी के बारे में लाइट एंड साउंड शो होता है. बट आई बिलीव बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस और जो अभी कोविड के टाइम्स हैं, लाइट एंड साउंड शो उतना चल नहीं रहा है. बट एनीवेज व्हेन द टाइम्स आर राइट, लाइट एंड साउंड शो भी स्टार्ट होगा. तो होपफुली आप लोग आइए यहाँ देखिए. ये क्या चीज़ है, हुमायूं दरवाज़ा. दरवाज़ा दिस गेट इज एट्रिब्यूटेड पार्टली टू शेर शाह सूरी ऑन द बेसिस ऑफ फेडिंग इंस्क्रिप्शन इन कैन वाज फाउंड. There are two entrances, one on top, one on the lower one opened at the level of water. Okay, the lower one opened at the level of water in the moat, while the upper one would have been approached by the drawbridge or causeway across the moat. Okay, ये बोल रहे हैं कि जो नीचे वाला जो है ये इसमें पानी भरा हुआ था, और आई थिंक अभी भी पानी भरा हुआ होगा. पानी रुकता है. और पुराने टाइम्स में जो है मेन वाला ये था, और यहाँ पे ना पूरा पानी वानी भरा हुआ था, तो ये सिर्फ बोट से आप आ सकते थे यहाँ पे. तो ये पूरा ऐसे कुछ पानी वानी भरा हुआ होगा, देखते हैं उधर और क्या है. इधर नीचे से बंद है, हैं? पूरा बंद पड़ा है यहाँ से. यहाँ से भी बंद है. देख, जैसे आप देख सकते हैं पीछे I have the lake on one side. Feels amazing to be at such a historical place. I think back in the day यहाँ पे जो बाहर से लोग आते होंगे like intruders, invaders, वो ये नदी उनको रोक लेती होगी. और जो पीछे जो monument है उसके जो वो हैं सारे holes, वहाँ से लोग जो हैं guns shoot करते होंगे in order to scare those people away. डराने के लिए तो एक कवच का काम करता होगा ये नदी. और ये इट्स अ गुड प्लेस टू लाइक यू नो मॉर्निंग वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा है. मॉर्निंग वॉक करते होंगे यहाँ पे लोग. आई डोंट नो कितने बजे खुलता है, होपफुली साधारण 8-9 बजे खुलती है पुराने किले की जगह. मुझे पहले ये भी पता था कि यहाँ पे बोटिंग होती है, बट आई एम नॉट श्योर, बोटिंग स्टिल हैपेंस बिकॉज ऑफ कोविड, पता नहीं. बट टिकट जो है काफ़ी सस्ता था. टिकट 40 रुपये का पड़ा, 20 रुपये पुराने किले का, 20 रुपये इसका, और उसमें एक और ऑप्शन था म्यूज़ियम का, आई थिंक उसमें 20 रुपये और. सो ऑल इन ऑल 60 रुपीज़ में यू कैन विजिट द म्यूज़ियम, द लेक, द किला ऑल टुगेदर.